मोहतरम हजरात, सबसे पहले मैं तमामी शोरा कराम की तरफ से आप तमाम सामईन हजरात का इस्तकबाल करता हूँ और बहुत खुशी का मुकाम है कि आज का ये तकरीब जश्न आज़ादी के नाम मुंसलिक है। आज ही रात के 12 बजे 15 अगस्त 1947 को अपना देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था, इसी मौके को जश्न के तौर पर मनाने के लिए आप तमामी हजरात यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जश्न आज़ादी हमें कैसे मनाना चाहिए, जश्न आज़ादी हमें कैसे मनाना चाहिए, दूर हैं जो भी उन्हें नज़दीक लाना चाहिए। ये आज़ादी की तकरीब आज 17वां साल जश्न आज़ादी का हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन एक शेर मैं कह देना चाहता हूं कि हालात आज मुल्क के जो हैं, शायर के जहन में एक शेर गूंजता है कि ज़मीन जल रही है, गगन जल रहा है। ज़मीन जल रही है, गगन जल रहा है, चले आओ गांधी, वतन जल रहा है। आज ये हालात और इन्हीं हालात के तहत आज का ये जश्न, आइए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी तमाम लोगों का गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते से अगर एक फूल भी निकाल दिया जाए तो इसकी खूबसूरती कम हो जाएगी। लिहाजा इन्हीं तमाम लोगों की कोशिशों से ये मुल्क आज़ाद हुआ और इन्हीं लोगों की कोशिशों से ये मुल्क, इस मुल्क की आज़ादी बरकरार भी रहेगी। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, तब तक आप अपनी अपनी जगहें ले लें, कि ये मुल्क हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, भोजपुरी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, मलयालम तमाम जबानों का भी गुलदस्ता है और इसी अनेकता में जो एकता है वो इस मुल्क की खूबी है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के हिंदू और मुसलमान ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया और इस मुल्क की आज़ादी में उर्दू और हिंदी दोनों जबानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मुल्क इन दोनों जबानों का गहवारा है और ये दोनों जबानें इसी मुल्क की पैदावार हैं। मैं एक और बात की तरफ से आपका जहन साफ कर देना चाहता हूँ कि उर्दू और हिंदी दोनों इस मुल्क की जबानें हैं। बहुत सारे लोगों ने तअस्सुब के बिना पर इन दोनों जबानों को बांटने की कोशिश की है और उर्दू को मुसलमानों की जबान और हिंदी को हिंदुओं की जबान कहकर फ़र्क पैदा करने की कोशिश की है।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तारीख शाहिद है कि हिंदी हिंदुओं की सिर्फ जबान नहीं है और उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर उर्दू मुसलमानों की जबान होती तो ये सऊदी अरब में होती, शाम में होती, मिस्र में होती, फलस्तीन में होती, इंडोनेशिया में होती, मलेशिया में होती, मिस्र में होती, शाम में होती, लीबिया में होती, लबनान में होती, कहीं नहीं है। इससे साबित होता है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है। उसी तरह मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हिंदू भी सिर्फ हिंदुओं की जबान नहीं है। अगर हिंदी सिर्फ हिंदुओं की जबान होती तो रहीम खान खाना नहीं होते, रस खान नहीं होते और मलिक मोहम्मद जायसी नहीं होते। उसी तरह अगर उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान होती तो तिलोक चंद महरूम नहीं होते, नरेश कुमार शाद नहीं होते, दया शंकर नसीम नहीं होते, ब्रज नारायण चकबस्त नहीं होते और पंडित आनंद नारायण मुल्ला नहीं होते। लिहाजा ये पता चला कि उर्दू और हिंदी दोनों इसी मुल्क की जबानें हैं। ये तो उन लोगों की साजिश है। लिहाजा मैं एक मतला आपके सामने पेश करता हूँ कि हिंदी उर्दू दो बहने हैं, अब भारत इनकी माता है। हिंदी उर्दू दो बहने हैं, भारत इनकी माता है, अब तू मतलब की खातिर इनमें क्यों नफरत फैलाता है। ये दोनों इसी जबान, इसी मुल्क की जबानें हैं। उसके अलावा आप देखिए इस मंच पर भी और सामयीन के बीच में भी हिंदू मुसलमान सब बैठे हुए हैं, कितना खूबसूरत माहौल है। आपने बज्म जो सजाई है, आपने बज्म जो सजाई है, खूब मुझको पसंद आई है। ये बज्म है, मंजर सुल्तान कहते हैं, मंजर सुल्तान कहते हैं कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं, हम जो बैठे हैं आज मिलजुल कर इसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये है हिंदुस्तान। लेकिन क्या कहिए कि कुछ लोग इस मुल्क के सालमियत को, इस मुल्क की शांति व्यवस्था को, इस मुल्क की भाईचारा को खत्म करने पर लगे हुए हैं। एक शायर कहता है कि उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। खिलाऊं कैसे बिरयानी मैं उसको हिंदी उर्दू की, खिलाऊं कैसे बिरयानी मैं उसको हिंदी उर्दू की, वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये हालात हैं। लिहाजा आइए, अब मैं चाहता हूं कि आप मुशायरा सुनने के लिए तैयार हो गए होंगे और मैं चाहता हूं कि मुशायरे की शुरुआत, सबसे पहले तो मैं टीटागढ़ यूथ फोरम के सदर जनाब खुर्रम खान साहब, मोहम्मद जलील साहब, मुजीबुर रहमान साहब और साथ ही साथ सिकंदर नाज भाई कन्वेनर मुशायरा, आप सब का मैं इस्तकबाल करता हूं तमाम शायरों की तरफ से। और आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें इस मुशायरे में आने की जहमत दी। लिहाजा आइए मैं चंद और बातें आपके सामने रखता हूं, तब तक ये जो अफरा तफरी मची हुई है मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़ी कमी आ जाए। मैं ये बता दूं कि देखिए ये मुशायरा
आपके बीच जो शोरा कराम बैठे हुए हैं, ये आज आपके सामने आप बीती और जग बीती पेश करेंगे, ये आपके सामने हालात हाजरा पेश करेंगे। आज का शायर क्या सोचता है, आज हालात कहाँ पहुँचे हुए हैं, ये आपके सामने पेश किया जाने वाला है। मैं चंद अशार से आपके जहन को फिर से थोड़ा और साफ कर देना चाहता हूँ। हालात देखिए, शायर कहता है कि हमारा क्या नहीं महफूज मुल्ला से पुजारी तक, हमारा क्या नहीं महफूज मुल्ला से पुजारी तक, अब बरसता है लहू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये हालात, इन हालात में हम आज ये जश्न आज़ादी का मुशायरा करने जा रहे हैं। दुष्यंत कहते हैं कि एक गुड़िया में कई कठपुतलियों की जान है, एक गुड़िया में कई कठपुतलियों की जान है, आज शायर ये तमाशा देख के हैरान है, आज शायर ये तमाशा देख के हैरान है। और मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। और ये जश्न आज़ादी के मौके से ये शेर भी सुन लीजिए कि कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला के हिंदुस्तान है, मैंने पूछा नाम तो बोला के हिंदुस्तान है।